फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। जी व्यूअर्स, पर मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आज मैं परिंदों के ऊपर नहीं वीडियो बना रहा, आज माली साहब आए हुए हैं, तो माली साहब पौधे तब्दील कर रहे हैं। फेंक से जो लगी हुई थी साइड पर आप देख रहे होंगे, वो खड़े हैं, वो धूप की वजह से चल नहीं रही हैं, वो ख़राब हो गई हैं सड़कें, तो अब माली साहब नए पौधे लाए हैं, वो लगा रहे हैं। दिखाता हूँ कि कौन से पौधे लाए हैं भाई। ये वाले पौधे लाए हैं, इसके दो कलर हैं पत्तों के, एक सब्ज़ और नीचे से ये पर्पलिश कलर का, और फूल देखें आप इसका, ये एक एक गमले में लगा है। माली साहब से पूछते हैं इनका नाम क्या है। जी माली साहब, इनका नाम क्या है? जटरूफा। क्या? जटरूफा। जटरूफा? जटरूफा। अच्छा, ये एक एक गमले में कितने कितने लगाओगे? एक में दो लगाएंगे। ये देखें जी, ये गमले में दो दो लगाएंगे, ये छः गमले हैं, तो यानी कि ये छः ही पौधे ये रखे हुए हैं और छः ही पौधे वो रखे हुए हैं। हमारे साहब ये वाले उतार रहे हैं, वो लगा रहे हैं। अब इधर से इनकी मिट्टी निकाल निकाल कर इन क्यारियों में डाल रहे हैं, अब ये पौधे लगाएंगे। फूल इनका 12 महीने रहते हैं? हाँ, फूल 12 महीने फूल देते हैं। अच्छा, रूम आउटडोर है, सर्दी का इफेक्ट नहीं पड़ता, पत्ते नहीं इसके नमी की वजह से गिरते? नहीं, धूप लगती है ज्यादा हो जाए। अच्छा, यानी कि हमारे साहब कह रहे हैं ये गर्मी सर्दी दोनों के पौधे हैं, दोनों में चलेंगे, ख़राब नहीं होंगे। ये देखें ना, ये मुझे डेढ़ डेढ़ दो दो साल हो गए तकरीबन फैक्सों के लगे, अभी तक आप इनका साइज़ देखें ना, साइज़ बढ़ रहा है और इनका कलर भी इतना गंदा, फीका फीका सा कलर है। ये वाला देखें, ये भी यही है, और ये वाली देखें आप, इसका कलर देखें और इसकी शेप भी देखें, पौधे की अच्छी नहीं लगती। कोई आता है ना तो किसी को क्या, मुझे खुद को ही नहीं अच्छे लगते, मैंने अपनी खुशी के लिए रखे हुए हैं ना, तो देख देख के मुझे अजीब सा ही लगता है, ऐसा लगता है सड़े हुए हैं सारे पत्ते। तो ये देखें, मैं आपको भी दिखाता हूँ इसके पत्तों का क्या हाल है, ये देखें। तो इस वजह से मैं अब ये लगा रहा हूँ, तो माली साहब कह रहे हैं इंशाल्लाह ये यहाँ पर चलेंगे और अच्छे चलेंगे। यहाँ पर ये वाली बड़ी फैक्स रखी हुई है, इसमें गेंद बनाएंगे यहाँ पर, ये रास्ते के बीच में यहाँ पर, और एक ये रखी हुई है इसकी भी, और इसकी भी माली साहब कहते हैं कि थोड़ा सा ये बड़ा हो जाए, इसको भी कोई ना कोई शेप देकर इसको खूबसूरत करेंगे। अभी भी है लेकिन काफ़ी साल हो गए ना, डेढ़ दो साल हो गए, तो ये ऐसे ही पड़ा हुआ है, अब इसकी शेप बदलेंगे, कोई नई शेप देंगे इसको। यहाँ पर ये मनी प्लांट्स वगैरह पड़ी हुई हैं, इनकी भी बहुत अच्छी ग्रोथ जा रही है, बहुत अच्छी से ग्रोथ है। गर्मी सर्दी मेरे पास तो चलती रहती है, माली साहब है ना, इनका ध्यान रखते हैं किस तरह चलाते हैं। तो ये देखें ऊपर तक, इतनी ऊपर तक गई हुई है। और यहाँ पर ये पता नहीं इनका मुझे नाम नहीं आता, माली साहब को भी पता, जो पौधा मुझे अच्छा लगता है मैंने कह देता हूँ ये वाला लगाना, ये लगा देते हैं। ये दोनों पौधे एक जैसे लगे हुए, अभी इसमें फूल भी खिले, ये फूल देखें आप कितना प्यारा, बहुत प्यारा फूल है। और इसी तरह ये रखा हुआ, इसका नाम भी मुझे नहीं आता है, और इसमें भी देखें ये सफ़ेद फूल उगना शुरू हो रहे हैं, देखें ना, नए पत्ते भी आ रहे हैं। और इसकी कटिंग पिछली बार ही कर दी थी, अभी हमारे साहब ने इन क्यारों की अभी खुद ही की है, उसमें कोई पौधे वगैरह नहीं लगाने थे। यहाँ पर भी मैंने मनी प्लांट लगवाया हुआ है ताकि नीचे से ना बाउंड्री बनी रहे, अच्छा सा लगे इस वजह से। और यहाँ पर ये रखा हुआ है, और यहाँ पर इसी है गेंद रखी हुई है। ये तीनों एक ही पौधे हैं लेकिन इनके शेप मुख्तलिफ है, ये गेंद में, और यहाँ पर इसके साइड में मैंने ये वाले पौधे लगाए हैं। यहाँ पर भी, यहाँ पर ये लगा हुआ है, ये सबसे बड़ा है इन सब में, मेरे पास जितने भी पौधे हैं ना आप देख सकते हैं, तो इन सब में ये दूसरे नंबर पे आते हैं तकरीबन, पहले नंबर पे वो बड़ा खड़ा हुआ है दरवाज़े के पास, ये दूसरे नंबर पे आता है, जो कि मुझे और मेरी मम्मा को बहुत ज़्यादा पसंद, मेरे मम्मा को सबसे ज़्यादा पसंद ये वाला पौधा है। इसके नीचे भी मैंने इसी तरह मनी प्लांट लगवाई हुई है, अभी इसको हमने ना मनी प्लांट की सेटिंग सही नहीं हो रही थी, इसमें ख़राब हो रही थी, तो दोबारा इसकी सारी कटिंग की है, इसके साइड साइड में रहने दी। अब तकरीबन महीने में 15 दिन में ये सारा दोबारा उसी तरह भर जाएगा जिस तरह ये यहाँ पर हुआ हुआ मनी प्लांट। मुझे मनी प्लांट बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं कहीं भी जगह फारिग देखता हूँ मैं कहता हूँ यहाँ पर मनी प्लांट लगा दो,
इस तरह ये एक्स्ट्रा गमले पड़े हुए, इनके बारे में सोचेंगे, इनके बारे में अभी कुछ भी नहीं सोचे इसमें क्या लगाना है। यहाँ पर ये रखा हुआ, इसका नाम भी मुझे भूल गया, इसकी खुशबू बहुत अच्छी है, इसको यूँ हाथ लगा के इसको सूंघा ना तो बहुत अच्छी खुशबू आती है इसमें से। और ये नीचे मैंने उधर जो लगा हुआ ना उसी की शाखें तोड़ तोड़ कर मैंने इधर लगाई थी, एक शाख लगाई थी, ये तकरीबन 1.5 महीने में इतनी होगी है। और ऊपर जैसे मैंने आपको बताया मनी प्लांट बहुत पसंद है मुझे, ये ऊपर इसके मनी प्लांट ही लगा हुआ है, ये मनी प्लांट की स्टिक थी उसके नीचे मैंने ये वाला पौधा लगा दिया। देखें ये इधर से दो गमले उतार लिए, दो गमलों में से पौधे निकाल लिए, एक में लगा दिया ये। और इन दो के जो पौधे थे मेरे पास, ये छोटे गमले नहीं है ना, कम है ये, तकरीबन एक ये है और एक ये है और एक में इसमें ये पौधा लगा हुआ है। ये अभी मेरे पास एक बड़ा एक्स्ट्रा गमला पड़ा हुआ है, ये उसमें लगाएंगे, ये वाला गमला खाली हो जाएगा। तो ये वाले पौधे जितने भी हैं, 1, 2, 3 और ये 4, ये इनमें लग जाएंगे। यहाँ पर ये वाले रखे हुए हैं, यहाँ पर ये गुलाब की बेल है और ये भी, ये रेड गुलाब है और ये वाइट है। और यहाँ पर हमारा राजू बैठा हुआ है, कैसे हो? अभी गर्मी में बैठा हुआ ना, गर्मी बहुत है तो इस वजह से अभी से गर्मी लग रही है। पंखा चला देता हूँ मैं ऊपर, इसके पंखा नहीं चलाया हुआ मेरे ख्याल से, भूल गए, चला दिया मैंने इसके ऊपर, दरवाज़ा खोल देते हैं, बेचारा बाहर आके बैठ जाए। क्या भी मुझे कह रहा है कि मुझे प्यार करो, मगर मेरे पास टाइम नहीं है, बाहर माली आए हुए हैं ना, उसके साथ काम करवाना है। ये भी खुद ही खेलते रहेगा, इसके आगे बाजरा रखा हुआ है, पानी रखा हुआ है, फ्रूट नहीं रखा, बाजी चली गई है बगैर फ्रूट रखे, भूल गई हैं, अभी माली जब जाएगा तो उसके बाद में से फ्रूट भी दूंगा। मिठू मिठू माली भाई को थोड़ी सी जल्दी है ना कि उस्ताद की कॉल आई है, माली भाई ने जाना है, थोड़ा सा काम है, तो इनके साथ मैं भी लग देता हूँ, मैं भी अपना औजार ले आया, मिट्टी तो नरम करते हैं। तीन ही गमले रह गए मेरे, तो ये टूटी हुई है, देखे सारी टूटी हुई इसी से, ठीक है ना, कर दूँ ऐसे में सारी टूटी पड़ी। ये वाला हो गया, इतना ही करना है, आगे वाला करते तो इतना ही लगा लें। मैंने कर दिए अब, ये तीन गमले रह गए, ये तीन गमले करने के बाद इसके बाद करेंगे भाई, इनकी खोदी रह गई है, बस इनकी खोदी करनी है और कुछ भी नहीं करना, थोड़ा सा काम है, 5-10 मिनट लगेंगे अभी, बस ये कुछ पौधे रह गए हैं, इनकी खोदी करने के बाद छुट्टी। देखें माली साहब ने पौधे लगा दिए हैं, काम मुकम्मल हो गया है, इनको इसमें कन्वर्ट कर दिया है जो इसमें पहले लगे थे। देखें कमेंट करके बताइएगा कि कैसे लग रहे हैं आप सबको, माली साहब जा रहे हैं काम, इन्होंने अपना मुकम्मल कर लिया इनकी, माली साहब ठीक है ना, ठीक, माली साहब जा रहे हैं, इनको आज इनकी तनख्वाह मिलनी थी, आज इनको इनकी तनख्वाह दिया, महीना पूरा हो गया था आज, तो बस ये जा रहे हैं। पौधे देखें माशाल्लाह से अच्छे लग रहे हैं आप, अगली बार आएंगे इनकी कटिंग हो जाएगी। तो फ्रेंड्स ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। आज मैंने परिंदों की वीडियो नहीं बनाई है, पौधों की बनाई है, परिंदों के पास मैं स्कूल से आने के बाद चला गया था, उनको फ्रूट वगैरह वेजिटेबल उनको दिया था, पानी वगैरह भी किया हुआ था कल। अब परिंदों को पानी वगैरह कल करना है, तो आज माली साहब ने आना था पौधे बदलने, तो मैंने कहा आपको चलो इन्फॉर्म करता हूँ, आपको दिखाता हूँ कि पौधे किस तरह लगाते हैं और क्या क्या चीज़ें देखनी होती है। तो ये पौधे लगाए हैं, उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।